Now. नव्या यहाँ नहीं। नव्या तो कमरे में है ही नहीं, कहाँ? कमरे में नहीं है? नहीं। तो छत पर ही होगी। अच्छा, मैं आवाज लगाती हूँ। नव्या, नव्या बेटा, नव्या। चलिए देखकर आते हैं। नव्या, हाँ? नीचे आ। हाँ ओके आ रही हूँ। आ रही हूँ। बालवीर, बालवीर यहाँ? मम्मी आपको मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तो बालवीर कब से तुझे ही तो ढूंढ रहा है, तभी तो बुला रही थी। अच्छा? नव्या तुम्हें याद है बालवीर ने काश्वी दीदी के हाथों ये बी वाले लोगो वाली टोपी तुम तक पहुँचवाई थी? हाँ पता है, बहुत अच्छी है क्या। तो तुम्हारी वो टोपी कहाँ है? पहनी तो है। मुझे नहीं दिख रही। मेरी कैप कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, ये लो। ये टोपी अब उतारना मत, ओके? क्या नव्या, आगे से ये कैप मत उतारना, समझी? लेकिन मम्मी मैंने नहीं निकाली थी, मैंने तो सुबह से। अरे बेटा बस अब बहाने मत बना, आगे से ध्यान रखना। नव्या बेटा ये टोपी हमें बालवीर ने दी है हमारी सेफ्टी के लिए, अगर ये टोपी तुम नहीं पहनोगी तो परम यहाँ आ जाएगा और तुम्हारे दिमाग को अपने काबू में कर लेगा। पापा जी कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप, कहीं आपकी बात सच हो गई तो? क्या पता बहू, बात सच हो चुकी हो तो किसे पता नव्या ने कितनी देर से ये टोपी नहीं पहनी है, बगैर टोपी के घूम रही है। नहीं मैं ठीक हूँ। बालवीर कहीं परम ने नव्या के दिमाग को काबू में तो नहीं कर लिया? कोई तरीका है ये जानने का? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। डरो मत नव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन दादाजी सही कह रहे हैं, मेरा एक बार चेक करना जरूरी। अब बल्कि तुम्हें तो मजा आएगा, तुम्हारे चारों तरफ एक मैजिक होगा। रेडी? चिंता की कोई बात नहीं, नव्या बिल्कुल ठीक है। मैं तो बोला था, लेकिन मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं है। अरे बेटा, गुस्सा नहीं करते। पर हाँ, अब ये टोपी निकालना मत। लेकिन नव्या, ठीक है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। थैंक यू बेटा। भगवान तुम्हें मुसीबत से बचाए। चला मैं देखूं तूने कितना होमवर्क किया, दिखा। अब तो भगवान भी बालवीर को नहीं बचा पाएंगे। सोच क्या रही हो काश्वी, तुम मेरी मदद करोगी ना? मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मत करो काश्वी, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। देखो तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक तरह से जानते तक नहीं हैं। और मेरे अलावा आगील ने ऐसे बहुत सारे लोगों के अपनों को मारा होगा, तो तुम उनसे मदद क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि आगील अपने पुनर्जन्म के लिए जिस खुफिया जगह पर जा रही है, पर मुझे सिर्फ तुम ही पहुंचा सकती हो। मैं? मुझे कैसे पता होगा कि आगील कहां जा रही है? क्योंकि शक्ति कुंभ तक पहुंचने का वो खुफिया नक्शा मैप तुम्हारे पास। मैप? अंजी क्या है ये? अरे 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 अंजी, अरे
क्या देख रही हो? अरे भांजी क्या देख रही हो? ये अपनी कुंडली देख रही हो क्या? शक्ति कुंभ जाने का नक्शा देख रहे? शक्ति कुंभ का नक्शा? भांजी मुझे भी दिखाओ ना भांजी, मैं भी देखना चाहता हूँ। इतना उछलो मत मामा, ये खुफिया नक्शा है। हुँ? इसका राज जानने वाला खुद एक राज बन जाता है। अरे अरे भांजी मैं देख नहीं रहा था, मैं तो बस खुशी के मारे उछल रहा था। पुनर्जन्म के बाद तो तुम्हें इतनी सारी शक्तियां तो मिलने वाली है ना। वैसे कब जाने वाली हो तुम वहां? कल शुरू होगी मेरी पुनर्जन्म की यात्रा, और इस यात्रा के अंत में इतनी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी कि जिसके सामने वो बालवीर टिक नहीं पाएगा। बालवीर, इस दुश्मन ने बेनाम की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर अपने अंदर समा लिया है। अगर तुम इस दुश्मन को हरा दो तो हम बेनाम की आत्मा उसके शरीर से आजाद करवा लेंगे। माफ कीजिएगा महामहिम, आपका बालवीर आपको बचा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको वापस जरूर लेकर आऊंगा। भांजी मुझे भी लेकर चलो ना वहां पर, शायद शक्ति कुंभ में स्नान करने के बाद मेरे पास भी शक्ति आ जाए। जितना मिला है उतने में खुश रहना सीखो मामा। भांजी मैं अपने लिए नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए आना चाहता हूँ। क्या है, परम ने तुम्हारी आधी शक्तियाँ खत्म कर दी है, अब तुम्हारे पास शक्तियाँ कम है और दुश्मन लोग ज्यादा है। क्या मतलब? मतलब आज तक कितने लोगों को मारा है तुमने, अपने सगे मामा को कितनी बार दलील किया है तुमने? 10,11,358 बार। अरे कभी कभी तो मेरा दिल करता है ना तुम्हारी लुटिया डुबा दूं। मामा ऐसा मैं नहीं, लोग सोचते होंगे। क्या है ना भांजी, रस्ते पर तुम पर किसी ने हमला कर दिया तो तुम पुनर्जन्म नहीं जहन्नम पहुंच जाओगी। तुम मेरी फिक्र मत करो मामा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि शक्ति कुंभ जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। अरे पर भांजी तुमने तो कहा था कि तुम्हारी चेली तुवेर उसके पास भी एक ऐसा ही नक्शा है। है नहीं था। हाँ? तुए मेरी सिपाही, मेरी सहेली, कितना भरोसा किया था मैं उस पर। एक नक्शा उसके पास भी था, पर तुएर के साथ वो नक्शा भी खत्म। कैसा मैप? वही मैप जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिया होगा। नहीं, माँ ने मुझे कोई मैप नहीं दिया। अरे उन्होंने तो मुझे ये तक नहीं बताया था कि वो खुद एक हिमबाशी हैं। तो फिर एक इतना इम्पोर्टेंट मैप वो मुझे कैसे दे सकती हैं? काश्मी तुम्हें नहीं देगी तो किसे देगी? एक बार याद करो, शायद उन्होंने किसी सुरक्षित जगह पे रखा हो, कहीं छुपाया हो अपने किसी पुराने सामान में। मैंने माँ का पूरा सामान देखा, ऐसा कोई मैप नहीं था। अब मैं जा रही हूँ। काश्मी भले ही तुम मेरा साथ ना दो, लेकिन अगर तुम मुझे वो मैप ढूंढ कर दे दोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मैप तुम्हारे ही पास होगा। विवाल तुम समझ ही नहीं रहे हो, काशी उस मैप के बिना मैं आगिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसी एक मकसद ने मुझे आज तक जिंदा रखा है, ताकि मैं अपने पिताजी की मौत का बदला ले सकूं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो मैप ढूंढूंगी और अगर मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम मेरे आस पास भी नहीं भटकोगे। ओके? मंजूर है। माँ क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ बालवीर सब ठीक है, तू हर वक्त सबकी चिंता करते रहता है, बस
इसलिए तुझे देखने चली आई। अच्छा हुआ माँ अब आ गई। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत बेचैन। मामाई मुत्तान को कैसे वापस लाऊंगा, परम को कैसे रोकूंगा, कैसे कैसे सबकी रक्षा करूंगा, कैसे अपने परिवार को बचाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बालवीर, बालवीर संभालो अपने आप को। वहां देखो, सामने देख कि कौन दिखाई देता है तुझे। बाहुवीर, पृथ्वी रक्षक, महानायक बालवीर, जो हर बार नामुमकिन को मुमकिन कर देता है, हर चुनौती का डट के सामना करता है और जीत के बाहर निकलता है। लाख कर ले कोशिश वो मारने वाले, तू नहीं उनमें जो होते हैं हारने वाले।